केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश का इतिहास है कि जब किसी पर कोई आरोप लगता है तो वह सबसे पहले अपना इस्तीफा देता है, लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री के रूप में गिरफ्तार होकर जेल जा रहा है। पद का इतना मोह शोभा नहीं देता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया और कहा कि जब किसी पर आरोप लगते हैं तो वो पद से इस्तीफा देता है। लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक किसी ने अपना दायित्व नहीं लिया जब तक आरोप से बरी ना हो जाए, तब तक वो अपना दायित्व नहीं लेते। जब उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का एक डायरी में झूठा नाम आया था तब उन्होंने तुरंत सभी पदों से इस्तीफा दिया था। एक अरविंद केजरीवाल हैं जिन्हें लगातार प्रयास करने के बाद भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं से जमानत नहीं मिली। शराब कांड के मामले में जब केजरीवाल के पास 9 बार समन आए वो हाई कोर्ट गए और जब हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दी तो ऐसे में स्वतः इस्तीफा देकर पहले अपने ऊपर लगे आरोपों को फेस करते और बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। अरविंद केजरीवाल को पद का मद चढ़ रहा है, इससे उनको बाहर आना चाहिए। पद का इतना मोह शोभा नहीं देता। हमारे यहाँ अपने देश का तो इतिहास है कि यहाँ जब किसी पे कोई आरोप लगता है तो वो सबसे पहले इस्तीफा देता है और जब तक आरोप के बाद से बरी नहीं हो जाए तब तक वो दायित्व नहीं लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक, जब हमारे माननीय उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का एक डायरी में नाम झूठा ही आया था लेकिन उन्होंने तुरंत सभी पदों से इस्तीफा दिया, यहाँ तक कि सांसद से भी इस्तीफा दिया और उनने कोर्ट को फेस किया। कोर्ट से फेस होने के बाद ही डिसाइड हुआ कि उनको पार्टी का चुनाव लड़े और बाद में वो पदाधिकारी हुए। हाईकोर्ट में जाने के बाद भी जब हाईकोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी तो ऐसे में स्वतः वो इस्तीफा दे करके अपने ऊपर लगे आरोप को पहले फेस करते और अपने को बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये मजाक, ये पद का एक तरह से मद चढ़ रहा है कि वो पद को किसी हालत में मरे बंदे बंदर के बच्चों को बंदरिया चिपका के रखती है, उस तरह का भाव है। मैं समझ सकता हूँ इससे उनको बाहर आना चाहिए और लोकतंत्र के लिए अपने आप को जब तक वो बरी न हो जाए सभी प्रकार के न्यायालय से तब तक उनको इस सब बातों से दूर रहना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।